Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर लगातार विवाद जारी है और विवाद जारी के बीच इनके जो आपसी लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो भी आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और मामला कुछ इस कदर आगे बढ़ गया है कि अब पर्सनल लेवल पर अटैक जो है वो कहीं ना कहीं किया जाने लगा है। खेसारी लाल यादव लगातार पवन सिंह के पर्सनल लाइफ पर अटैक कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी और परिवार वालों पर भी लगातार कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक यूट्यूबर होने के नाते, एक जर्नलिज्म के तौर पर हम खबरें बताते हैं, उसके नाते अगर मैं कहा जाए तो खेसारी लाल यादव को इस तरीके की प्रतिक्रियाएं नहीं देनी चाहिए। ये अशोभनीय है और ये शोभा हमारे समाज में नहीं देता है। ये पारिवारिक मामला है, पारिवारिक तौर पर क्या किसके साथ कब हो सकता है ये किसी को भी नहीं पता है। तो इस तरीके से जो बयानबाजी चल रही है खेसारी लाल यादव के द्वारा, उस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहिए और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं नहीं देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खेसारी लाल यादव सही कह रहे हैं, खेसारी लाल यादव को ऐसे ही विरोधियों को जवाब देना चाहिए और इसके पीछे की वजह ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव की बेटी को, खेसारी लाल यादव की बेटी और उनके परिवार के सदस्यों को भद्दी भद्दी गालियां और तमाम तरीके की चीजें जो है वो एक यूट्यूबर के द्वारा की जा रही थी जिसका नाम मगहिया जवान है, उन मगहिया जवान को पवन सिंह खुलेआम मंच पर बुलाकर सम्मान करते हैं और वैसे तुच्छ लोगों का सम्मान करते हैं जो इस मामले में ऑलरेडी जेल की सूखी रोटी और पतली दाल खा चुका है। वैसे लोगों का समर्थन करना अपने आप में एक बताता है कि आपकी विचारधारा क्या है, आपकी परसेप्शन क्या है और आप लोगों को क्या शो करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पवन सिंह की थी, क्योंकि ऐसे तुच्छ लोगों को कहीं ना कहीं मंच पर बुलाकर सम्मान नहीं देना चाहिए और वो जानते हुए भी कि खेसारी लाल यादव की बेटी की गाली गलौज मामले में वो ऑलरेडी जो है वो पुलिस के कोड़े और पुलिस के लंबे लंबे डंडे अंदर ले चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी पवन सिंह इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देकर कहीं ना कहीं उकसाया है और खेसारी लाल यादव अगर इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उनके फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है इस लेवल पर, क्या दोनों लोग गलत नहीं है? क्या खेसारी लाल यादव अगर इस तरीके का वार कर रहे हैं तो क्या पवन सिंह को भी ऐसे लोगों को बुलाकर, जो दो कौड़ी के लोग हैं, जो तुच्छ सोच मानसिकता है, विकृत मानसिकता है, वैसे लोगों को बुलाकर मंच पर सम्मानित करते हैं, तो क्या ये शोभनीय है? फैसला आपका है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।